जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल खान होम एंटरटेनमेंट के साथ। आज हम आए हुए हैं इस्लामाबाद पे एक इवेंट पर, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आज आपने काफ़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की है, ये कहाँ से आइडिया आया? आइडियाज़ एक्चुअली मीडिया इतना एडवांस हो गया है, फिर हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई मॉडल्स हैं या कोई टीवी एक्टर्स? मैं खुद होस्ट भी करती हूँ और मैं एक्टिंग भी करती हूँ। तभी आपने इतना यूनिक फैशन किया। थैंक यू, थैंक यू। इस टाइम क्या कहेंगे, कोरोना के बाद जो ये इवेंट हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत लंबा अरसा देखा है जिसमें हम लोग अपने घर तक महदूद रहे और जो है अब अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जो है पेंडेमिक से निकले हैं और ये इवेंट्स जो हो रहे हैं, हम तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम पार्टिसिपेट करें क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जब आपको एक फ्रेश हवा का झोंका मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा। कितना आपने इंजॉय किया इस इवेंट? बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। लाइव म्यूज़िक है वो इन्जॉय करें, स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसको इन्जॉय करें। और अभी आपके फेवरेट जो सिंगर है वो कौन है? वैसे तो आतिफ असलम मेरे फेवरेट सिंगर हैं, आप अगर आज के हवाले से पूछ रहे हैं। वैसे भी अगर एक कहेंगे आतिफ असलम है, साहिर अली बग्गा हैं, बहुत सारे। हाँ बहुत सारे। अगर आपको किसके साथ कॉफ़ी पीना पड़े तो आप किसके साथ पियेंगी, राहत फ़तेह अली खान, इब्रारुल हक या अली ज़फ़र? इब्रार। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उनसे पहले भी एक दफ़ा मुलाकात रही है और ही सच अ नाइस पर्सन और आई वुड लव टू नो हिम मोर। आप ये करें कि सपोज करें कि आप एक गाड़ी में जा रही हैं, आपके पास गाड़ी में एक सीट है, आपको किसी को लिफ्ट देनी है, आगे इमरान खान खड़े हैं, नवाज शरीफ खड़े हैं और आसिफ अली जरदारी, आप किसको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे? ऑफ कोर्स आईके। इमरान खान। इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसके बावजूद इमरान? देखिए महंगाई बेशक बहुत ज़्यादा है, इस महंगाई की चक्की में हम सब पिस रहे हैं, कोई भी ऐसा गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है, बहुत पिस रही है, इवन जो मिडियोकर्स हैं वो भी पिस रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब ही पिस रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी हमें आईके को सपोर्ट करना चाहिए। कितना सपोर्ट करेंगे, 3 साल तो गुजर चुके हैं। नहीं, हम तकरीबन 5-10 साल तो सपोर्ट करेंगे, आप उनको हुकूमत मज़ीद करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत जहाँ पे थोड़ी बहुत महंगाई हुई या थोड़ी बहुत गलत चीज़ें हुई हैं या बुरी चीज़ें आप कह सकते हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। और मुझे क्या, हम सबको उम्मीद है कि आगे चल के हमारा पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और अच्छा वक्त भी आए। इस टाइम एक जो फिज़ा बनी हुई है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, आपकी फेवरेट टीम इस टाइम कौन है इस वर्ल्ड कप? मेरी फेवरेट टीम ग्रीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान, obviously I love my country, I love my team. इस टाइम ग्रीन टीम में फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? फेवरेट प्लेयर वही हैं जिन्होंने 4 छक्के मारे थे। नाम बता। आसिफ। आसिफ अली। काफी लोग उनके दीवाने हो गए, आप भी उनकी दीवानी होगी? हाँ जी, मैं भी उनकी दीवानी होगी। और आप यकीन करें, पहले होता था ना कि भाई इमरान खान भी टीम में रहे, वो तो खैर शाहिद अफरीदी भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे, वो तो शक्लो सूरत से भी बहुत अच्छे और हैंडसम थे, तो हमेशा टैलेंट की बेस पे ना आई गो फॉर टैलेंट, ठीक है। और माशाल्लाह हमारी जो अभी ये टीम है, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, अल्लाह ताला इनको बहुत आगे तक लेके जाए। आपको होप है कि ये फाइनल तक चले जाएंगे? यस इंशाल्लाह। इनके हरीफ जो मध्य मुकाबला आएगी, कौन सी टीम आएगी, आप गेस्ट करें कौन सी टीम आ सकती है? चाह रही थी कि इंडिया ही आए, इंडिया ही आए, इन्हीं के बोल में हम दोबारा हराएंगे और बहुत बुरी तरह से मारेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।